9:30 कौसर आ गई। चेहरे पर हल्की सी कबीरती साफ पढ़ी जा सकती थी, लेकिन बहरहाल उसे धोने की भरपूर कोशिश की गई थी। नाश्ता कर लिया आपने? जी। और आपने मिस कौसर? मैंने भी कर लिया। आइए बैठिए। आपने सफ़र की तैयारियां देखी? हाँ। मुनासिब हैं? मेरे ख्याल में तो यकीनन। आपके ख्याल में सफ़र कैसा रहेगा सरफराज साहब? बेहद दिलचस्प। कैसे कह सकते हैं आप, जबकि आपने इससे कबल? बहुत से काम मैंने इससे कबल नहीं किए मिस कौसर, लेकिन हम उनके बारे में अंदाज़ा तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ये तो ठीक है। वो कुछ खोई खोई सी थी, बहरहाल उसकी कैफियत दुरुस्त नहीं थी। काफ़ी देर तक वो मेरे पास बैठी रही, लेकिन अंदाज़ा होता था कि जहनी तौर पर हाज़िर नहीं है। उसके दिल में कोई कदूरत है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पा रही, और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी मैं समझता था। फिर नवाब साहब ने आवाज़ दी और वो कुछ कहे बगैर उठकर बाहर निकल गई। फिर ये अजीम व शान काफिला सहराए आज़म में दाखिल हो गया। जोसवानों और उसका पूरा ख़ानदान हमें छोड़ने आया था। बहुत मोहब्बत और नेक तमन्नाओं के साथ उन्होंने हमें रुख्सत की। सब लोग जीपों में सवार थे, ट्रॉलर और बास्केट वैन पीछे मुंसलिक थी। जोसवानों के फराहम करदा जवान ड्राइविंग भी जानते थे, बड़े मजबूत और सादतमंद लोग थे, अंग्रेज़ी से अच्छी तरह वाकिफ थे। बहरहाल उन लोगों से वाकई खूब मदद मिल गई थी और सब आज़ाद थे। दूसरी बात यह कि उनको आराम देने के लिए कोई उनसे ड्राइविंग ले ले। अजीम सहरा में हम दोपहर के बाद दाखिल हुए थे। दूर तक एक वीरान बंजर इलाका नज़र आ रहा था, ताहद्दे निगाह पथरीली ज़मीन। बहुत दूर निगाह की हद के बाद दरख्तों की स्याही नज़र आती थी, वो भी किसी बुलंद जगह से। हमारी वैगन में डॉक्टर मैकार्ड और उनकी लड़कियाँ, नवाब फिरोजुद्दीन, मैं और कौसर थे। मरीसा से यहाँ जान छूट गई थी, वो अपने बाप कर्नल डिक्सन के साथ थी, उसके साथ हैगले और उनकी लड़की थी, बाकी लोग दूसरी गाड़ी में थे। शाम को 6 बजे सूरज छुप गया और अंधेरा किसी तूफान की तरह बढ़ता चला गया, और आन की आन उसने माहौल को निकल लिया। हर चीज़ तारीख हो गई। तब ड्राइवरों ने रोशनियाँ जला ली और फिर आगे वाली गाड़ी से कर्नल डिक्सन ने सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि रुक जाया जाए। गाड़ियाँ रुकी और कर्नल के साथ दूसरे लोग भी नीचे उतर आए। क्या ख्याल है फिरोज़, पहला क़याम यही किया जाए? हाँ भाई, जगह साफ है, पुरसकून और दरख्तों से दूर, और फिर रात भी इधर हो गई है, तो फिर तय है? बिल्कुल तय। ओके। दूसरे लोगों ने भी इस क़याम पर इत्तेफाक किया। चारों सियाफाम उतर गए। उन्होंने सिर्फ 3 खैमे लगाए। तीनों खैमे एहतियातन लगाए गए थे, वरना ट्रॉलर ही इतने बड़े थे कि सब लोग उनमें आराम कर सकते थे। ज़रूरी सामान उतारा गया, जिनमें दूसरे लोगों ने भी सियाफामों की मदद की। चनाचा सबसे पहले कॉफ़ी तैयार कराई गई और फिर खाने की तैयारियां होने लगी। वाकई लुत्फ आ रहा था, चारों तरफ हु का आलम था, सन्नाटा। लेकिन जोसवानों के इंतजाम मामूली नहीं थे। एक सियाफाम ने ट्रॉलर में लगी हुई सर्च लाइटों का बटन ऑन कर दिया और दूधिया रोशनी दूर तक फैल गई। हम सब हैरान रह गए। इस तरह तो बैटरी जल्द ख़त्म हो जाएगी, कर्नल डिक्सन ने कहा। नहीं जनाब, ट्रॉलर में जनरेटर नसब है, रोशनी उनसे हो रही है, बैटरी चार्जिंग का पूरा निज़ाम मौजूद है। ओह भाई, सच्ची बात है, इस जोसफानों ने जो आसानियां फराहम कर दी हैं ना, उनसे सफ़र में 4 चांद लग गए हैं, कर्नल ने एतराफ़ किया। फिर एक तरफ से मौसीकी की लहरें उभरी और सब उछल पड़े। ये लोग तो अलादीन के चिराग के जिन मालूम होते हैं, ये मौसीकी कहाँ से उभरी, यूसुफ अली ने कहा, और नवाब साहब हैरत से देखने लगे। ट्रॉलरों से आवाज़ आ रही है, खूब इंतज़ाम है भाई, लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, इसमें क्या शक है। बहरहाल खूब ट्रॉलर थे, जंगल में मंगल कर लिया था। लड़कियां और नौजवान उस सियाफाम के गिर्द जमा हो गए जो ट्रॉलर ऑपरेटर था। उससे तरह तरह के सवाल किए जाने लगे और फिर खूब तालियां पीटी गई। रिकॉर्ड बजते रहे, कॉफ़ी तकसीम हो गई और खूब ऐश होने लगी। कौसर साहिबा अब भी ज़रा दूर दूर थी, और मज़े की बात तो ये थी कि मिस मरीसा भी ज़्यादा माइल नज़र नहीं आती थी। खाना तैयार हुआ, खाया गया, फिर आराम की तय हो गई। कर्नल डिक्सन, यूसुफ अली और नवाब साहब यहाँ भी बाज़ नहीं, रोशनी काफ़ी थी, बस बिसात बिछा दी गई और शतरंज होने लगी। मैंने एक गाड़ी में ही रात गुजारने का फ़ैसला किया।
दूसरी सुबह सब लोग काफ़ी दिन चढ़े उठे थे। मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही देर से उठा था, और जब मैं उठा तो नाश्ता वगैरह बिल्कुल तैयार था। तमाम लोग स्टूलों पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। सया फामो ने नाश्ता कैनवस की मेज़ों पर लगा दिया। बहुत काम के आदमी है ये, कर्नल डिक्सन ने कहा। मैं भी यही कहने वाला था, बिल्कुल मशीनी इंसान मालूम होते हैं। बहरहाल हैं तो इंसान, आज रात इनकी छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा दोस्तों, मैं ख़ास बात की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। क्या? यूँ तो हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे से तआवुन करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक सरबरा की ज़रूरत बाकी रह जाती है। इस कस्म की मुहिमात में ज़रूरी होता है। क्या दूसरे लोग मेरी राय से इत्तफाक नहीं करेंगे? यकीनन, सब बोले। तो मेरी राय है कि किसी को अपना सरबरा चुन लिया जाए और उसकी हिदायत पर अमल किया जाए। मुनासिब बात है। आपकी तजवीज़? कर्नल डिक्सन, बहुत सी आवाज़ें उभरी। तुम इस पार्टी में मुनासिब तरीन आदमी हो, हमें तुम्हारे ऊपर एतमाद है दोस्तों। कर्नल डिक्सन मुस्कुराते हुए बोले, मेरी निगाह में एक और शख्स है, आप लोग सुन लें और उसके बाद फैसला करें। वो कौन? डॉक्टर मैकार्ट, बिलाशुबा सबसे मोमर, सबसे ज़्यादा जहांदीदा। यहाँ मामला कारकर्दगी का नहीं, सरबरा की बात है। और दोस्तों से माजरत के साथ, डॉक्टर मैकार्ट से उम्दा आदमी इस काम के लिए मेरी निगाह में और कोई नहीं है। मैं तायद करता हूँ इस बात की, नवाब साहब ने कहा। हम सभी तायद करते हैं, बिलाशुबा हम में से किसी को डॉक्टर के अहकाम मानने में तामुल ना होगा। चुनाचे ये बात तय हो गई और फिर सफ़र की तैयारियां शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। इस बार स्टीयरिंग दूसरे लोगों ने संभाले थे। सया फामो से कह दिया गया था कि वो आधे दिन आराम करें, कल वो ड्राइविंग करेंगे। तवील मैदान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दरख्त अब कदरे साफ नज़र आने लगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भी दूर जा रहे हों। ट्रॉलरों की वजह से और बास्केट गाड़ियों की वजह से रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की जा सकती थी, चनाचे मुनासिब रफ्तार से सफ़र हो रहा था। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे पास था। वैसे कौसर का रवैया अभी तक बदला हुआ था, वो अमूमन खामोश ही रहती थी। रही मेरी बात तो मैं बहुत खुश था, मैं तो उसके इल्तफात से खौफजदा था। अगर दूसरी लड़कियों की तरह वो रोग लगा बैठती तो मुफ्त में मारी जाती। उसकी तो ज़्यादा परवाह मुझे नहीं थी, लेकिन नवाब साहब का मामला सख्त था। उस मोहब्बत करने वाले इंसान को मैं कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता था। चुनाचा मैंने तय कर लिया था कि मिस कौसर, आपके इस जज्बे को हवा मिलनी चाहिए। काश आपके जहन में मेरे लिए नफरत जड़ पकड़ सके। ड्राइविंग करते हुए मैं इस बारे में सोचता रहा और अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। बाबरा फोना, क्या वो लड़की मेरी मददगार साबित हो सकती है? ओह, उम्दा ख्याल है। जहर को मारने के लिए जहर से ही काम लिया जाता है। अगर फोना भी भटक गई तो उसे संभालने के लिए कुछ और कर लिया जाएगा। बहरहाल एक काम तो हो। वेरी गुड। मैंने चुटकी बजाई और सया फाम अकब से उठकर मेरे पास आ गया। यस सर, गाड़ी रोक दें। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। बस मैं ताज़ा दम हूँ। ओह, तुम समझे थे कि मैंने तुम्हें बुलाने के लिए चुटकी बजाई है? ना सही जनाब, पर अब मैं ड्राइविंग के लिए तैयार हूँ। मर्जी है तुम्हारी। मैंने गाड़ी रोकी। कौसर भी नीचे उतरकर पीछे चली गई। मैं भी अकबी सीट पर आ गया और मैंने सीट के पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। सफ़र काफ़ी हद तक बोर गुजरा। गो अफ्रीका के मखसूस दिलकश मनाजर अब भी दूर तक बिखरे हुए थे। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे जहन में कुछ नए ख्यालात ने जन्म लिया। मेरे कानों में नवाब साहब के अल्फाज उभरे, उस वक्त तक जब तक हीरों का कोई बड़ा ज़खीरा हमारे हाथ ना लग जाए, तुम इन सब पर पूरा भरोसा कर सकते हो, और जब हीरे हमारे दरमियान आ जाए तो एक एक से चौकन्ना रहना। ओह, गोयन शरीफ इंसानों के दरमियान भी एक बुरा तसव्वुर मौजूद है। ये जो हर तरह से मुतमईन लोग हैं, ये जिनकी माली हालत इंतहाई मुतमईन है, हीरों की चमक दमक से ये भी इतने खौफजदा हैं कि उन्हें दूसरे लोगों के बदलने का एहसास है, ऐसी शक्ल में मेरी क्या हैसियत है? नवाब फिरोजुद्दीन इंतहाई नेक इंसान है, अगर मेरे दिल में कभी कोई बात आई तो वो उनके ख़िलाफ़ नहीं होगी। बहरहाल वो मेरे मोहसिन भी हैं। ना जाने मेरा जहन कहाँ कहाँ भटकने लगा। फरजान आमिरी की कहानी याद आई तो उसके नौजवान बेटे का ख्याल आया।
और ना जाने क्या क्या। बड़ी सख्त कश्मकश का शिकार हो गया था मैं, दिमाग दुखने लगा। अगर मैं इन लोगों से अलहदा हो जाऊँ, अगर अफ्रीका के किसी पुरस्कार खत्ते में मैं इन लोगों को छोड़कर चुपके से निकल जाऊँ, तो ये बात ही सही है, मैं अपने तौर पर किस्मत आजमाई करूँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं अफ्रीका से पूरे तौर पर वाकिफ़ भी नहीं हूँ, और फिर अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, कुछ अरसा इनके साथ गुजार लूँ उसके बाद। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, फ़र्ज़ किया जाए इन लोगों को छोड़ दूँ, नवाब साहब परेशानी से मुझे तलाश करें, मायूस हो जाएं, और उसके बाद ये लोग हीरो का ज़खीरा हासिल कर लें, तब इनके दरमियान फूट पड़ जाए, तो नवाब साहब क्या करेंगे? कौसर की हिफाजत करेंगे या हीरे बचाएंगे? मेरा ख्याल है वो तोता चशम इंसान है, सिर्फ मुहिमात पसंद, वो हीरों पर लानत भी नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे क्या, ये उनका ज़ाती फेल है, मैंने उनकी मुलाजमत की है, कोई ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलामी नहीं की, जिसका जो दिल चाहे करे। रह गई कौसर, तो वो नेक ख्याल लड़की है, सादा और पाक फितरत की मालिक, उसकी शख्सियत पर दाग नहीं लगना चाहिए, अगर वो भी आम लड़कियों की तरह मेरे चक्कर में पड़ गई तो मुनासिब नहीं होगा, किसी भी कीमत और किसी भी तौर पर उसे महफूज रखना चाहिए, हाँ उसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। वक्त गुजरता रहा और मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा। सरफराज साहब, कौसर की आवाज़ उभरी और मैंने आंखें खोल दी। अरे आपको तो बुखार है, क्या कहा आपने, आपको तो बुखार है? ओह नहीं, क्या मेरा हाथ गर्म है? काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं बुखार की कैफियत महसूस नहीं कर रहा, यूं ही गर्म हो गया होगा हाथ मेरा। क्या आप सो गए थे? नहीं तो, ना जाने आप आँखें बंद किए क्या कह रहे थे, शायद गुनूदगी सितारी हो गई थी, मैंने चुपते हुए अंदाज में कहा और कौसर चुप हो गई। दोपहर हो गई थी, सबको भूख लग रही थी, और चूंकि अभी उस काफले में कोई हंगामी कैफियत नहीं थी, इसलिए आराम आराम से सफ़र किया जा रहा था, किसी को जल्दी नहीं थी। दोपहर के खाने के लिए गाड़ियां रोक ली गईं, रेतीला मैदान था, किसी साय की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ट्रॉलर बेहतरीन जगह था, चनाचा दोपहर का खाना उन्हीं में सर्व किया गया और उन्हीं में आराम भी किया गया। मैंने भी दूसरों के साथ खाने में हिस्सा लिया था, लेकिन नवाब फिरोजुद्दीन ज़बरदस्ती डॉक्टर बन गए, उन्होंने ना सिर्फ मेरे लिए शोरबा तजवीज़ किया बल्कि इसके अलावा मुझे कुछ और खाने को नहीं दिया। दोपहर को 2 घंटे के आराम के बाद सफ़र फिर शुरू हो गया और हम उसी तरतीब से चल पड़े, सिवाय इसके कि नवाब साहब इस बार हमारे साथ थे, कौसर भी हसब मामूल थी। रास्ते में नवाब साहब के चुटकुले जारी रहे, बल्कि उन्होंने तो शतरंज की तजवीज़ भी पेश की, जो बहरहाल दौरान सफ़र मुनासिब ना समझी गई। शाम फैल गई, फिज़ा मोतदिल हो गई, अब रेतीला मैदान भी ख़त्म हो गया था और हम छिद्रे सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से गुजर रहे थे। रास्तों की तरफ से ये लोग मुतमईन थे, सफ़र मुनासिब रास्ते पर ही किया जा रहा था, यहाँ तक कि शाम हो गई, और चूँकि जिस जगह पर हम थे वो क़याम के लिए मुनासिब थी, इसीलिए डॉक्टर मैकार्ड ने यहीं क़याम करने का फ़ैसला किया, बकिया सफ़र मुलतवी कर दिया गया। सिया फाम जल्दी जल्दी तैयारियाँ करने लगे, उन लोगों की फुर्ती और मुस्तैदी मुझे बहुत पसंद थी, मिनटों में उन्होंने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली। नवाब साहब मेरे नज़दीक ही खड़े थे। बड़े शानदार जवान हैं। कौन? इन अफ्रीकी नौजवानों के बारे में कह रहा हूँ। जी, मुझे भी बेहद पसंद आई है। तुम देखो ये जिस शोबे में हैं कमाल को पहुँचे हुए हैं, बस बदकिस्मत है कि सफ़ेद कौमें ने उभरते नहीं देख सकती, वरना इन्होंने तो सारे रास्ते मजदूत कर दिए हैं, ऐसे शोबे से इन्हें दूर रखते हैं जो किसी ख़ास अहमियत का हामिल हो। दुरुस्त कहा आपने। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत ख़राब ही कब थी जनाब? बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तबीयत। कौसर बेटे ख्याल रखना, कोई उल्टी सीधी चीज़ ना खा लेंगे। नवाब साहब मुस्कुराने लगे, लेकिन कौसर का चेहरा सपाट रहा। हस्बे मामूल मौसीकी शुरू हो गई। मुहिम क्या थी, अच्छी खासी पिकनिक थी, पसंदीदा रिकॉर्ड सुने जा रहे थे, फरमाइशें हो रही थीं, फिर नौजवान लोगों ने रक्स का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी गिरी हुई थी, मैं उस तरफ ना गया और किसी सुनसान गोशे की तलाश में चल पड़ा। बहरहाल ज़्यादा दूर जाना मुनासिब ना था, मैं एक दरख्त के नीचे घास पर लेट गया और अपने प्रोग्राम पर गौर करने लगा, ये भी सोचा कि अचानक तबीयत क्यों ख़राब हुई। इतने में कौसर मेरे नज़दीक आ गई।
सोने की कोशिश हो रही है? नहीं, बस हंगामे से उकता कर यहाँ आ गया था। रिकॉर्डिंग बंद करवा दूँ? अरे नहीं नहीं, दूसरों को अपने तौर पर जीने का हक़ है। आप ही हक तस्लीम करते हैं? क्यों नहीं, फिर कभी कभी दूसरों से जीने का हक छीनने की कोशिश क्यों करते हैं हम? कौसर के लहजे में उदासी घुल गई और मैं समझ गया कि कौसर किस अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर रही है। आपने मेरे अंदर कोई तब्दीली नोट की है? हाँ। इसकी वजह नहीं पूछी आपने? नहीं। क्यों? यहाँ पर बात रुक गई क्योंकि अब मुझे जवाब देना था और मेरे जवाब की इब्तिदा ही चौंका देने वाली होनी चाहिए थी, वरना बात आगे ना पढ़ पाती। जवाब दें सरफराज साहब, आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा? ये बात नहीं है कौसर। फिर? दरअसल पिछले दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। कैसी तब्दीली? मैं सोचने लगा हूँ कि इंसान नहायत बेहकीकत है, वो ख़ुद को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल लेता है, ज़मीर की बातें करता है। कितने इंसान हैं जो अपने ज़मीर को ज़िंदा रख कर ख़ुद भी ज़िंदा हैं? मेरे ख्याल में इस दुनिया में एक चीज़ ज़िंदा रह सकती है, ख़ुद इंसान या उसका ज़मीर। अगर ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहता है तो इंसान को ख़ुद मरना होगा। क्या कह रहे हो सरफराज? जो कुछ कह रहा हूँ इसका वही मतलब है। लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा है। हाँ, इसीलिए मैं ज़िंदा दरगोर हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हुस्न, हुस्न कायनात, इस दुनिया पर मेरा भी हक है। किसने तुम्हें तुम्हारे हक़ से बेदखल करने की कोशिश की है? खुद मेरी अपनी ज़ात में। मैंने खुद को खुद में महसूर कर रखा है। मैंने अपने ऊपर इखलाक के पर्दे डाले हुए हैं। मेरा दम घुट रहा है इन दबीज लिबादों में। मैं भी बाहर की खुली फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझती कौसर? बताओ, क्या मैं बेजान हूँ? क्या हो गया सरफराज तुम्हें? क्या हो गया? कौसर खौफजदा अंदाज में बोली, बता चुका हूँ, शराफत और इंसानियत के वजन से मैं थक गया हूँ, आज़ादी चाहता हूँ। लेकिन ये आज़ादी ज़मीर की मौत होती है। नफरत है मुझे इस ज़मीर से, सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेरा। गोया अब तुम इसे बेहसियत कर देना चाहते हो? हाँ। नहीं सरफराज, तुम्हारा ज़मीर तो तुम्हें आम इंसानों से मुमताज़ करता है। मैं अपने और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखना चाहता। कुछ ना रहेगा तुम्हारे पास सरफराज। मैं कुछ रखना भी नहीं चाहता। सोचो, गौर करो। वो उठते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी कौसर? तुम मेरी कोई मदद? सरफराज, तुमने बड़ी हसीन इमारत तोड़ दी है। तुम अचानक कलाश हो गए हो। टूटे पत्थर कभी नहीं जुड़ते। कोई जज्बा, कोई जुनून इंसान के हवास तो मुअत्तल कर देता है, लेकिन बदहवासी के आलम में भी उसकी हैसियत बरकरार रहती है। मुमकिन अंदर से तुम ऐसे ही हो जैसे नज़र आ रहे हो। मुमकिन आज तुम्हारी असल शख्सियत सामने आ गई हो। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने? हाँ, मेरी असल शख्सियत यही है। कौन से ताजमहल बना दिए मेरी शराफत ने? मुझे किसी ताजमहल की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दो। फरिश्तों की सफ़ में ना खड़ा करो मुझे। चली जाओ, ले जाओ मेरे पास से अपनी शराफत, वरना मैं तुम्हें भी ख़राब कर दूँगा। जाओ कौसर, चली जाओ यहाँ से। हाँ, ये अफ्रीका है, वहशी दरिंदों की बस्ती। मैं अपने आप को महफूज रखना चाहती हूँ। वो हकारत से बोली और तेज़ तेज़ कदमों से वापस चली गई और मुझे एक अनोखे सुकून का एहसास हुआ। आह, सब कुछ ख़त्म कर दिया था मैंने, कुछ नहीं रखा था अपने पास। अब उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत और हकारत के अलावा और कुछ नहीं होगा, और ये बहुत उम्दा बात है। अब मैं नवाब साहब के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। अब मेरे ज़मीर में कोई ऐसी फांस तो ना रहेगी जो बार बार तड़पाती है। एक बार तड़प उठती है, ख़त्म हो जाएगी। मैं अपनी जगह से उठा। बदन को बड़ी थकन का एहसास हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ लुट गया हो। फजूल बातें, कौसर से मुझे कौन सा इश्क करना था? जो उसकी नाराज़गी है, रखे अपनी नाराज़गी। रोशनी और निगाहों से बचता हुआ मैं अपने ट्रॉलर में दाखिल हो गया। ख्याल था कि कौसर मौजूद ना हो, लेकिन शुक्र है कि वो नहीं थी। मैं कोने में बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। उस वक्त नींद ही बहुत सी उलझनों का हल थी, और फिर मुझे नींद आ गई। अगली सुबह ही मेरी आँख खुल सकी थी। इतनी गहरी, इतनी पुरसकून सुबह थी कि मैं हैरान रह गया। तबीयत बशाश थी,
चारों तरफ निगाह दौड़ाई। नवाब साहब सो रहे थे लेकिन कौसर नहीं थी, शायद अलस सुबह जाग गई थी। लेकिन गई कहाँ? एक लम्हे के लिए दिल में आए कि उसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी खोपड़ी पर चपत लगाई। उसे दूर होना है तो ऐसी हिमाकत से गुरेज करना होगा। बाहर निकला तो सबसे पहले सिया फार्म टोबो से मुलाकात हुई। मुझे देखकर उसने सलाम किया। कैसे हो टोबो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्यों ना शिकार खेला जाए? शिकार का ताज़ा गोश्त पकाएंगे। जो हुक्म जनाब। तुम्हारा शिकार कैसा है टोबो? ठीक है जनाब। तो बस फिर आज शिकार करेंगे। टोबो ने गर्दन हिला दी। तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता किया गया और नाश्ते पर कौसर भी नजर आई। मैं उसकी इनफरादियत का कायल हो गया। कोई और लड़की होती तो बुझी बुझी होती, चेहरे पर कर्ब होता, लेकिन वो हशाश बशाश थी, बल्कि पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। हालात मामूल के मुताबिक रहे, लेकिन मैं उन्हें मामूल के मुताबिक रहने देता तब ना। मैंने जो प्लान बनाया था उस पर उसी वक्त अमल करना ज़रूरी था। प्रोफेसर हैकले की नकचुड़ी बेटी बाबरा फोना एक वजनी बास्केट उठाकर आ रही थी। बास्केट का वज़न काफ़ी था और उसके लिए खासी मुश्किल हो रही थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका। ओह मिस फोना, ये काम हम लोगों के लिए रहने दें। उसने बड़ी नखवत से शुक्रिया अदा किया और बास्केट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने बास्केट उसकी बताई हुई जगह पर रख दी। कौसर क़ुर्ब जवार में मौजूद नहीं थी। मैंने मौका मिलते ही नवाब साहब से कहा, क्या ख्याल है नवाब साहब, क्यों ना दोपहर के खाने में शिकार किए हुए जानवर हो? कमाल है, अब क्या मेरे पेट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो? जी मैं समझा नहीं। सिर्फ एक लम्हा कबल मैंने कर्नल की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी इस ख्याल के तहत कि उससे कहूँ कि इस सफ़र में नौसत क्यों तारी है भाई। नौसत तो नहीं है, अच्छे खासे प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, लेकिन सड़ी बुसी खुराक तो किसी बुरे वक्त के लिए भी रखी जा सकती है। यानी शिकार? हाँ। ठीक है, आप कर्नल साहब से मशवरा कर लें। और तुम 10-20 हिरन ले आओगे? अगर हुक्म दे तो। हरगिज़ नहीं मियाँ, मैं तुम्हें नज़र नहीं लगवाना चाहता, और फिर हमारे प्रोग्राम के तहत भी तुम खुलकर मंजरेआम पर नहीं आओगे। हाँ एक दो हिरन मार लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने टोबो से बात की थी, आज मैं उसके साथ रहूँगा। हाँ हाँ, हर्ज क्या है? नवाब साहब फराग दिली से बोले। लेकिन लुत्फ तो उस वक्त आया जब बाबरा फोना भी उसी गाड़ी में आ गई। ये इत्तेफाकी था, मैं टोबो के बराबर में बैठा था और उस वक्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन हमारे साथ होगा। फोना ने तो गौर भी नहीं किया, लेकिन दूर कौसर की निगाहों से खारिज होती हुई चिंगारियों की चमक यहाँ तक पहुँच रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। शिकार ही क्या रही मास्टर? करेंगे, ज़रूर करेंगे टोबो, आपके बदन से शिकार की बू आती है। अच्छा, शिकारी के बदन से कोई मखसूस बू आती है क्या? हाँ, हमारी नाक बहुत तेज़ होती है। क्या गलत कहा मैंने? हाँ मैं शिकार खेलता रहता हूँ। तकरीबन एक घंटे के सफ़र के बाद टोबो ने कहा, मेरा ख्याल है शिकार शुरू कर देना चाहिए मास्टर। ठीक ख्याल है टोबो। हमारे अकब में प्रोफेसर हैगले हमारी बातें सुन रहा था। जब हम चुप हुए तो उसने कहा, अगर ये बात है तो दूसरे लोगों को इत्तला कर दो, शिकार शुरू कर दिया जाए। किस तरह प्रोफेसर? ओह देखो, शायद यहाँ और भी तजुर्बेकार शिकारी मौजूद हैं, गाड़ियाँ रुक रही हैं, जगह भी मुनासिब है। टोबो ने कहा, सारी गाड़ियाँ एक जगह रुक गईं, फिर उन्होंने कैंप सा बना लिया। टोबो ने भी अपनी गाड़ी उनके बराबर में रोक दी। तमाम लोग नीचे उतर रहे थे। डैडी मैं भी शॉटगन से परिंदों का शिकार खेलूंगी। बाबरा ने अपने बाप से कहा, ओह बेबी तुम्हारे पास शॉटगन मौजूद है? हाँ। तब ठीक है, पहले इन लोगों को प्रोग्राम बना लेने दो। ओके डैडी। तमाम बड़ों ने मीटिंग की। भला सियाह फामों के शिकार खेलने की क्या तुक थी? हाँ वो शिकार को ज़िबा कर सकते थे, उसे पका सकते थे, यहाँ एक से एक बड़ा शिकारी था। खुद नवाब साहब भी इस वक्त मुझे भूल गए थे, कौसर उनके साथ ही थी। शिकारी शिकार खेलने चल पड़े, हमें यहीं रहना था। मुश्किल है मास्टर, अचानक टोबो बोला। क्या मतलब? इत्तेफाक ही है जो ये लोग शिकार ले आए। क्यों? अफ्रीका के इन इलाकों में शिकार खेलने का तरीका ही दूसरा है। वो क्या? झाड़ियों का इलाका है ना, अव्वल तो शिकार नज़र ही मुश्किल से आएगा, जानवर भी चालाक होते हैं, वो अपने रंग से फ़ायदा उठाते हैं,
शिकार अगर सिर्फ झाड़ियों में तलाश किया जाए तो बेहतर है, या फिर पानी के किनारे जहाँ वो खुला नज़र आ सकता है। ठीक है टोबो, मैं भी तुम्हारी तरह मुलाजिम हूँ, इन लोगों को शिकार खेलने दो। टोबो गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मैं थोड़ी देर तक उसके साथ रहा, फिर टहलता हुआ उस तरफ निकल गया जहाँ बाबरा अपने बाप के साथ जा रही थी। मेरा रुख भी अपनी तरफ देखकर हैकले रुक गया। आओ जवान, क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? थोड़ी सी जनाब। लेकिन आप अपने साथियों के साथ तो नहीं गए? ओह माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया मिस। अरे ये बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कहा था, सुनिए ना प्लीज़। यकीन करें मैंने इसलिए नहीं कहा था। कोई बात नहीं खातून, शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि मैं नवाब साहब का मुलाजिम हूँ, और आप जानती हैं कि मुलाजिम आकाओं की बात में दखलंदाजी नहीं करते। आप हमारे साथ आइए ना प्लीज़। बाबरा एकदम नरम पड़ गई। हाँ हाँ आ जाओ लड़के, दरअसल बाबरा को परिंदों के शिकार से बड़ी दिलचस्पी है। फिर कुछ चुगल भी रहेगा। आप क्या शिकार करेंगे मिस? बस जो कुछ भी मिल जाए। आए देखते हैं, मुमकिन है इस तरफ कुछ शिकार हो। हम चल पड़े। टोबो का ख्याल भी दुरुस्त था, झील पर हमने कई चीतल देखे जिन्हें नहायत आसानी से शिकार किया जा सकता था। हमें देखकर वो छुप गए थे। ओह ये जगह तो बहुत खूब है। मेरा ख्याल है तुम यहाँ शिकार खेल सकोगी बेबी। कोशिश करती हूँ डैड, बारबरा ने कहा और गन लेकर तैयार हो गई। फिर उसने निशाना लिया और फायर कर दिया, लेकिन उसका कोई निशाना नहीं था। तमाम परिंदे उड़ गए और वो खिसियावे अंदाज में मुझे और हेगले को देखने लगी। कोई बात नहीं बेबी, दोबारा कोशिश करो। दरअसल मेरा निशाना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है मिस, पर आप दोबारा कोशिश करें। उसने एक बार फिर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। नहीं होगा डैडी। ओहो क्यों नहीं होगा, कोशिश करती रहो, ना हो तो तफरी ही सही। नहीं नहीं खामखा शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है मिस, बराए करम एक कोशिश और कीजिए। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया और बाबरा की पुश्त पर पहुँच गया, और फिर दोनों शाने पकड़कर मैंने उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई और गन ठीक तौर से उसके हाथों में थमा दी, और फिर परिंदों की एक टोली को ताकते हुए कहा, नाल के नीचे मेरा हाथ रहेगा, आप शस्त्र लें और जब मैं कहूँ तो ट्रिगर दबा दें। अच्छा छर्रे वाले कारतूस है ना? जी। ठीक है हाँ, तो एंगल दुरुस्त कर लें, ठीक उधर नीचे, ओके फायर। बाबरा ने ट्रिगर दबा दी, पांच काजें फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और बाबरा के हलक से खुशी से एक सुरीली चीख निकल गई। ओ माय गॉड पांच। हम तेज़ी से दौड़े और हमने काजें ज़िबा कर डाली। वो बेहद खुश थी। आप तो बड़े माहिर निशानाबाज हैं मिस्टर सरफराज। लेकिन शिकार तो आपने किया है। ओ नहीं सिर्फ गन मेरे हाथ में थी। दर हकीकत तो ये बहुत आगे की बात है कि दूसरों के हाथों से उम्दा निशाना लगाया जाए, और इसका मतलब यही है कि सरफराज एक ज़बरदस्त शिकारी है, प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर मेरी दरख्वास्त है कि ये बात दूसरों तक ना पहुँचे। क्या मतलब? मेरी नौकरी जाती रहेगी जनाब। अरे ऐसी क्या बात है? बस मेरी दरख्वास्त है ये। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अजीब बात है मिस्टर सरफराज, एक बार फिर प्लीज़। ज़रूर मिस, आइए। और इस बार वो पूरी दिलजमाई से मेरे सीने से लग गई। फिर भला निशाना खाली क्यों जाता? बाबरा का मारे खुशी के बुरा हाल था। कसम से डैडी अब मुझे सब कुछ कितना आसान मालूम होने लगा है। प्रोफेसर हैगले, ये लोग जो शिकार को गए हैं ना, मेरी पेशन गोई है, शिकार करके नहीं ला सकेंगे। क्यों? जैसा कि ये इलाका है वहाँ शिकार करने के लिए एक मखसूस तकनीक होती है, शायद ही किसी को मालूम हो। मुमकिन है भाई, लेकिन ये तो जाने वालों के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मेरी तजवीज़ है। वो क्या? क्यों ना हम परिंदों की इतनी मकदार जमा कर लें जो सबके लिए काफ़ी हो। ओह क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं। क्यों मिस बाबरा? हाँ जब दो फायरों में हम एक दर्जन परिंदे शिकार कर सकते हैं तो ये बात नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अगर शिकार मिल ही गया तो? तब भी तो ये गोश्त काम आ सकता है जनाब। वेरी गुड, तब हम अपना काम करते रहेंगे और वो लोग अपना। हम ये गोश्त उस वक्त ज़ाहिर करेंगे
जब वो अपनी नाकामी का ऐलान कर देंगे। तब तो तैयार हो जाइए मिस्टर हेगले। मैं तैयार हूँ। और फिर उसके बाद दिलचस्प मशगला शुरू हो गया। शॉटगन बाबरा के ही पास थी और अब वो उसे मेरे हाथ में देना भी नहीं चाहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे सीने से लगते वक्त उसकी कैफियत बदल जाती थी। प्रोफेसर कसाई की पोस्ट संभाल चुके थे और नहायत नफासत से परिंदे साफ करके रखते जा रहे थे। हम एंगल बदल बदल कर शिकार करते रहे और क्या मजाल कि कोई वार खाली गया हो। परिंदों का ढेर जमा होता जा रहा था। फी आदमी 4 परिंदों का हिसाब लगाया गया था। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना बेकार था।